हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट बैक। तो फ्रेंड, आज मेरे पास आया हुआ है ये जेबर्नस कंपनी का ये टावर स्पीकर बोल सकते हैं या पोर्टेबल बॉक्स। तो ये चार्ज करने से यहाँ पे इसमें बॉक्स बजती है, बट इसमें कुछ कारण बस ये इसका जो पावर सप्लाई है उड़ गया और ये कहीं पर भी बन नहीं पा रहा था। तो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये पोर्टेबल वाली जो स्पीकर है, बड़ी वाली स्पीकर है, तो ये हमारे पास बनने के लिए आओ। तो हमने यहाँ पे चेक किया, मेन बोर्ड जो इसका चालू है और यहाँ पे एक पावर सप्लाई लगा के अभी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाली पावर सप्लाई लगाना होगा 4 एम्पेयर का, तभी जाके आपका यहाँ पे ये चलेगा और ये चालू होगा, क्योंकि उस वो वाली पावर सप्लाई आपको मार्केट में ना मिले, हो सकता है कि आपको नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर हमने इसको लगा के चेक किया, यहाँ पर पावर भी आ गया और हमारा ये चलने लगा। एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जो पावर वाली लाइट है ऑटोमेटिक मतलब जलने लगा था लाइन ऑफ होने के बाद भी बैटरी से भी, तो उस लाइट को मैंने हटा दिया है। एक्स्ट्रा लाइट आप अपना हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं कैसे हमने इसको किया और ट्राई करके मैंने इसको बनाया। तो ये पावर सप्लाई है इसका जो कि हमने फर्स्ट टाइम लगाया, बट ये पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही थी कि झटके मार रही थी, करंट लग रही थी। तो ये वाली पावर सप्लाई अपना लगा, क्योंकि हमने पहले ये वाली पावर सप्लाई का यूज़ किया, ये वाली प्रॉब्लम आया। बट ये भी पावर सप्लाई ठीक है अगर झटका ना लगे तो, लेकिन प्राइस का अंतर कुछ ज़्यादा नहीं था फ्रेंड। तो उस हिसाब से आप इस वाली पावर सप्लाई को ना लगा के अब वो पैकिंग वाले पावर सप्लाई आपको 12 वोल्ट 4 एम्पीयर का मिल जाता है, तो उस वाली पावर सप्लाई को इसमें लगाएंगे खोल के। तो चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए, ये वाली पावर सप्लाई पहले था तो एक हिसाब से 3 से 4 एम्पीयर का यहाँ पे पावर सप्लाई यहाँ पे लगा होगा फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे 4 एम्पीयर का लगाऊँगा, 3 से 4 एम्पीयर के आसपास, तो तभी जाके आपका फ्रेंड अच्छी तरीके से यहाँ पे साउंड का जो क्वालिटी है और वो बच पाएगा, इससे कोई दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये एसी का लाइन जो है, और ये बटम वटम सब तो ऐसे ही है, बट यहाँ पे जो है एसी लाइन एसी में जाएगा और डीसी वाले पॉइंट जो है, ये हमारा डीसी वाला वायर है, ये वाली वायर। तो ये डीसी वाले वायर माइनस प्लस को ठीक से देख के लगाएंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फ्रेंड, ये हमारा एसी लाइन है, एसी लाइन का ये प्लग से आते हुए इसे पावर सप्लाई में जाएगा। तो जो भी पावर सप्लाई इसमें लगाएंगे वो पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे ये वाली लगेगा। तो ये पावर सप्लाई का जो पावर है ये पावर पॉइंट में लग गया। तो चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं वो वाली पावर सप्लाई को लगा के आपको। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक स्विच भी ख़राब हो गया था, तो उस स्विच को भी आपको चेंज करना होगा। तो चलिए, ये पावर सप्लाई हमने मार्केट से लेकर आया, ये आपको 220 रुपया या 250 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। तो चलिए, इस पावर सप्लाई को खोल के इस वाली ब्लूटूथ वाली बॉक्स में, टावर बॉक्स में लगाएंगे। तो चलिए, जेबर्नस कंपनी का जो कि सर्विस सेंटर से भी नहीं बन पाया था, तो चलिए अभी मैं इसको ओपन करते हैं। और देखिए, बहुत ही पावरफुल पावर सप्लाई इसके अंदर लगी हुई है। तो इस पावर सप्लाई को यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह का पावर सप्लाई लगा हुआ उस तरह का क्वालिटी का पावर सप्लाई लगेगा, तभी जाके आपका जो साउंड है वो अच्छी तरीके से आपको मिल पाएगा फ्रेंड। तो देखिए, ये हमारा जो लाइन है सेम जुड़िएगा, यहाँ पर कोई ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे माइनस प्लस जो लगा हुआ है, ये आउटपुट लाइन या ये एसी लाइन है, तो एसी लाइन का यहाँ पे एसी लाइन में जोड़ेंगे और आउटपुट लाइन का आउटपुट लाइन में जोड़ेंगे फ्रेंड। तो ये बहुत ही सिंपल सा, या आप डायरेक्टली एडेक्टर लगा कर भी आप चला सकते हैं, जो कि मैं आपको बता दिया, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, इस पावर सप्लाई को इसके अंदर में इनबिल्ड करेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा वायर है एसी लाइन का, तो
इस वायर को यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट सामने सामने हैं, तो इस जगह पे आपको सही तरीके से वायर को जॉइन करना होगा, तभी जाके आप यहाँ पे आपका काम होगा। तो चलिए, हमारा ब्लैक वायर तो लग गया और यहाँ पे रेड वाली वायर को लगाएंगे, जो कि एसी लाइन है। तो एसी वाला एसी लाइन में आपको लगाना है, तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं। तो ये एक पॉइंट एक और मिल गया मुझे एसी वाला कोड का, इस जगह पे लगा लेते हैं। इस वाली पॉइंट को भी सोल्डिंग कर देते हैं अच्छे तरीके से। और फ्रेंड, मानो कि ये जो पावर सप्लाई लगा है ओरिजिनल का तरह तो नहीं है, बट उससे भी कोई कम क्वालिटी का पावर सप्लाई आपका नहीं है, तो इस तरह का पावर सप्लाई इजीली मार्केट में मिल जाए। खुलने के बाद पावर सप्लाई का क्वालिटी देख लीजिएगा, जैसा मैं लगा रहा हूँ उस तरह का होना चाहिए, 4 एम्पेयर के आसपास, तभी जाके आपका फ्रेंड काम करेगा। और तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब ये हमारा डीसी लाइन के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये डीसी वाले लाइन को यहाँ पे माइनस प्लस देख के कनेक्शन करेंगे। अगर उल्टा कनेक्शन बाय चांस आप कर देते हैं, तो आपका जो मेन बोर्ड है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, जो कि वो मेन बोर्ड आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है फ्रेंड। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, माइनस प्लस को आपको, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया। उसके बाद फ्रेंड आपको ऑन करके और चालू करके भी दिखाएंगे। वीडियो को पहले में ही आपको फ्रेंड चालू करके दिखा दिया था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पे कैसे इसको ठीक किया उसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा कम्प्लीट वही बता दिया। कनेक्शन हो गया होगा, यहाँ पे एसी लाइन मेरा एक तो नहीं जुड़ा है, तो ये एसी लाइन हमारा जो है यहाँ पर से खुल गया था, तो उस चीज़ को भी आप जोड़ लीजिएगा आपका खुलता है तो। तो चलिए यहाँ पे एसी लाइन को जोड़ लेते हैं। तो ये एसी वाली पॉइंट में जोड़ लेते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा था कि वाला पावर सप्लाई में वो इसका जो है आगे का बॉडी टीना वाला है, तो उसमें क्या हो रहा था कि फ्रेंड नेगेटिव पॉइंट में झटका वाला करंट आ रहा था, जिसके कारण से मैं उस पावर सप्लाई को आपको नहीं लगाने के लिए बोलते। रीज़न ये था फ्रेंड कि उसको अर्थिंग चाहिए, हमारे पास यहाँ पे 3 फेज बोलेंगे तो न्यूट्रल नहीं है, तो न्यूट्रल वाली लाइन किसी के घर में जल्दी से नहीं होता फ्रेंड, बहुत कोई कम ही चांस में लगा रहा था, वो तो कंपनी में ज़्यादा ही रहता है, तो घर में एक न्यूट्रल होना चाहिए, ज़रूरी है। तो ये पावर सप्लाई बिना न्यूट्रल पे भी कोई झटका इसमें देने वाले नहीं है, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का पावर सप्लाई आपके लिए मैंने जुगाड़ करके यहाँ पे लगाया हूँ इसमें, तो आप भी इस पावर सप्लाई को फ्रेंड लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको मैं चालू करूँगा और आपको चालू करके दिखाऊँगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कॉमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो इस पावर सप्लाई को इसके अंदर ही इनबिल्ट कर दूँगा थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के। अब देखिए फ्रेंड, इससे होम थिएटर कितना बड़ा वाली है। तो इसका मैंने सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया, अभी मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। ये फ़िलहाल यहाँ पे कंप्लीट आपको नहीं दिख रहा, बट कंप्लीट वाली वीडियो हमने करके दिखा दिया, ये लास्ट हमारा वीडियो है जिसमें आपको चालू करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको पहले भी मैं चालू करके दिखाया था। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।